सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की रेसिपी में हम लोग बनाने वाले हैं फिश। जो ये फिश है वो बॉइस फिश है। इसमें इसको हम फ्राई करेंगे। इसमें हम लोग नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इसमें हल्दी पाउडर। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई गर्म हो गया है। इसमें हम ऑयल डालेंगे। फ्राई होने के लिए इतना ऑयल काफ़ी है। जब तक मेरा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मसाला हम लोग पीस के तैयार कर लेते हैं। ये टमाटो 2 है, ये सरसों के दाने, और ये जीरा मिर्च और धनिया, लाल मिर्च और लहसुन, ये सारे मसाले हम लोग पीस के तैयार कर लेंगे जब तक फिश को फ्राई करेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम मच्छी को डालेंगे। मच्छी तब तक फ्राई होगा, हम लोग मसाले को पीस के तैयार कर लेंगे। तरफ फ्राई हो गया है और दूसरी तरफ हम लोग इसी तरफ फ्राई कर लेंगे। सारा मच्छी इसी तरफ फ्राई करना है। मच्छी फ्राई हो गया है और ऑयल में हम डालेंगे अब मसाले। थोड़ा इसमें हम लोग मेथी थोड़ा ऐड करेंगे आधे चम्मच, और टमाटो चटक जाए तो हम लोग टमाटर डालेंगे। सारे और हल्दी पाउडर, हम लोग इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम लोग भूनेंगे अच्छी तरह जब तक ये तेल ना छोड़ दे, और इसी में हम लोग नमक ऐड करेंगे। इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। सारे मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे मीडियम आंच पे। मसाला भून गया है आधा, और 10-15 मिनट लगेगा भूनते हुए। ये देखिए तेल छोड़ दिया है। और इसको हम 10 मिनट पकाएंगे, उसके बाद पानी ऐड करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों हमारा मसाला ये भून गया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल सकते हैं। इसको हम लोग 5 मिनट के लिए और पकने देंगे, उसके बाद हम लोग मच्छी डालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए मसाला ये पक गया है, और इसमें हम लोग मच्छी ऐड करेंगे। सारी मच्छी इसमें डाल देंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे। देखिए ये मच्छी रेडी हो गया है। इसमें हम लोग धनिया के पत्ती डालेंगे। कमेंट में बताइएगा कैसा बना है, और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए गाइस ये रेडी हो गया है फिश, और कमेंट में बताइएगा कैसा बना है, और लाइक कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।